हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। मैं आज आपको लेके आया हूँ महर्षि वाल्मीकि मंदिर। जी हाँ, पालिका धाम गोल मार्केट के निकट दिल्ली के सीएम केजरीवाल की विधानसभा में, उस एरिया में जहाँ पालिका धाम। आप देख रहे हैं यहाँ पे मीठा चावल वितरण कर लोग करते हैं कोरोना को निवारण के लिए। भगवान वाल्मीकि का पूजा, भगवान वाल्मीकि का पूजा करते आप देख सकते हैं प्रधान राजू ढकोलिया को किस तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वाल्मीकि जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना यहाँ देश से निकले और इनके बाल बच्चों को और समस्त संसार को कोरोना से मुक्ति दिया जा सके। यानी सनातन पैगंबर, सनातन के रचयिता वाल्मीकि भगवान का पूजना अति आवश्यक है, इनको विश्वास भी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग लगे हुए हैं लगातार कहीं खीर का वितरण, कहीं फलों का वितरण करके, और हर गलियों में गरीब और ज़रूरतमंदों का भरण पोषण करके ये कहीं ना कहीं वाल्मीकि भगवान को ये अपना प्यार भरा सुनहरा प्रार्थना करते दिख रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं जिस तरीके से वाल्मीकि भगवान के इस मंदिर में ये लोगों ने प्रार्थना किया कि कहीं ना कहीं भगवान वाल्मीकि लोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इनका एक दिल भी छलका, इन्होंने कहा कि जहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा हो यानी अयोध्या, वहाँ क्यों न हो वाल्मीकि भगवान का भी मंदिर। जो वाल्मीकि भगवान ने सनातन के पैगंबर भगवान रामचंद्र जी को बारे में दुनिया को बताया, दुनिया को पढ़ाया, जहाँ संसार याद करता है भगवान रामचंद्र जी को, तो उनके रचयिता भगवान वाल्मीकि का शरण अयोध्या में क्यों नहीं सुनती सरकारें और क्यों नहीं करती सरकार उनकी बात का पर विचार। कहीं ना कहीं भगवान वाल्मीकि को भगवान राम के साथ उनका मंदिर होना चाहिए, इस चीज़ को विचार करने के लिए लोग जागृत हो चुके हैं। वाल्मीकि समाज चाहता है कि भगवान राम के साथ भगवान वाल्मीकि का भी मंदिर हो। देखिए आप कुछ क्या कहते हैं प्रधान पालिका RW क्षेत्र के प्रधान ढकोलिया साहब, राजू ढकोलिया साहब कुछ क्या कहेंगे और इनके लोग क्या कहेंगे, जरा आप ध्यान से सुनिएगा इनका क्या विचार है। राजू ढकोलिया साहब क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में कोरोना जो फैला हुआ है, तो हम भगवान वाल्मीकि जी से ये दुआ कर रहे हैं पूरा समाज मिलके कि भाई इस कोरोना को पूरे वर्ल्ड से भगाया जाए, देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में भगाया जाए। क्योंकि इन्होंने जो रामायण लिखी थी हजारों लाखों साल पहले, तो हम बड़ा खुशगुजार है कि अब ये वाल्मीकि भगवान जो हैं इन्होंने रामायण लिखी, तो इसी से हम इसलिए सारे समाज के RW मिलके लोग जो है ये दुआ कर रहे हैं कि कोरोना को भगा दिया जाए। जैसे कि राम जी को कौन जानता था, सीता जी को कौन जानता था, लक्ष्मण जी को कौन जानता था, अगर रामायण इन्होंने ना लिखी होती तो कैसे पहचानते इनको। तो मैं भगवान जी से, हमारे RW के लोग यही दुआ कर रहे हैं कि भाई एक कोरोना को इस वर्ल्ड से भगा दिया जाए, क्योंकि आप में बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे कि आपने क्या कहते हैं, राम जी जब श्रीलंका से जीत के आए थे तो उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा था कि भाई इस देश में कोई पकड़े तो हमें बताएं कौन युद्ध हंसा लिए, तो लव और कुछ जो थे उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया था। तो पूरे हिंदुस्तान को पता है कि भाई उनसे हनुमान जी लड़े तो उनको भी पराजित कर दिया गया, लक्ष्मण जी लड़े और भी योद्धा थे सारा। तो जब भगवान वाल्मीकि जी आए, नहीं तो राम से भी लड़ाई होती तो उनको भी शायद हरा देते ये लव और कुश, तो उन्होंने उनको रोका और उनका आपस में समझौता कराया, बताया कि ये आपके बच्चे हैं ये। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो वहाँ पे उसके साथ में वाल्मीकि भगवान का मंदिर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने रामायण लिखी थी। इस वजह से हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के वासियों से कि राम का मंदिर वहाँ बने अच्छी बात है, लेकिन भगवान वाल्मीकि मंदिर भी बनना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद भी देना चाहते हैं। यहाँ पे आए दिन पूजा अर्चना चढ़ावा प्रसाद बाँटते रहते हैं, बाहर भी बाँटते हैं और यहाँ बस्ती में भी बाँटते हैं। हम तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं भगवान से अपने से कि ये पूरे वर्ल्ड से ये कोरोना बीमारी ख़त्म होनी चाहिए। हम आए दिन जो है साल में एक बार जो हमारा गुरु का त्यौहार आता है उसमें भी हम लाखों आदमियों को खाना वितरण करते हैं, सिर्फ इसी आस्था के साथ कि हमारा परिवार और हमारे पृथ्वी पर ये जो कोरोना वायरस जो आया है वो जड़ से ख़त्म हो सके। और हम भगवान से इस बात की प्रार्थना करते हैं, गुरु वाल्मीकि भगवान से,
कि जो भी हमसे बन सकता है आपके भोग के लिए उसको स्वीकार करें, और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को और पूरे संसार से ये कोरोना वायरस जो आया है इसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। तो से ना ही किसी सरकार के सहयोग से, सिर्फ अपने आप ही अपने तरफ से सहयोग से गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, जिनको ज़रूरतमंद है उनको खाने का व्यवस्था करा रहे हैं। निरंतर दो महीनों से जब से बीमारी का, कोरोना का ये चला है, और मैं श्री राजू ढकोलिया जी का RWA अध्यक्ष पालिका धाम से तह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, ये हमने जो प्रसाद का विवरण किया है सिर्फ इसलिए किया है कि ये जो कोरोना महामारी का वर्ल्ड में जो चल रहा है, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी इसका उपदेश उद्धार करें। जो प्रधान जी कर रहे हैं तो CM को पता नहीं है, CM के पास खबर भेज दी है उन्होंने, हर चीज़ के लिए खबर भेजी है CM के पास। क्यों भेजी है इन्होंने? इसलिए भेजी है भाई, यार जवान बच्चे घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं है। मोदी जी के पास भी इन्होंने भेजा है, प्रधान जी ने व्हाट्सएप भेजा है। तो ये चाहते हैं हम प्रधान जी के लिए, प्रधान जी है ना, फिर व्हाट्सएप भेजे मोदी जी के लिए, CM के लिए, और जो इनके वो कर्ताधारी है, जो मतलब जो इनके वो है, हम ये चाहते हैं ये जवान बच्चे घूम रहे, नौकरी नहीं है, ये कोरोना चल रहा है, कोरोना का चल रहा है, लोग हिसाब चलना चाहिए, तो जवान बच्चे हैं उन्हें नौकरी भी मिला, नौकरी मिलनी चाहिए आगे, इनके बच्चे जवान हैं, शादीशुदा है, ये कहाँ से खाएंगे, बाप माँ बाप को कब तक खिलाएंगे?